हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आई स्मार्ट टेक। अभी कुछ ही टाइम पहले पोको ने पोको F3 GT को जो है ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि क्वार्टर थर्ड में जो है वो फोन इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अब जो है एक और फोन की जो कि पोको X3 GT होने वाला है वो उसके भी लीक सामने आने लग गए हैं और टिप्सर कैस्पर ने भी अपने ट्वीट के थ्रू ये बताया है कि पोको का X3 GT भी फोन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और जब भी कैस्पर किसी भी Xiaomi फोन के बारे में कोई भी टिप्स वगैरह देते हैं तो वो काफी हद तक जो है सही होती है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पोको X3 GT के बारे में फुल डिटेल में कि क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है, किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने वाला है और कब तक लॉन्च होने वाला है, सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो पे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये फोन है पोको X3 GT, ये जो अभी कुछ ही टाइम पहले यानी कि पिछले वीक ही चाइना में फोन लॉन्च हुआ था Redmi Note 10 Pro 5G, उसी का रिब्रांड फोन है जो कि पोको की ब्रांडिंग के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फोन में आपको MediaTek Dimensity 1100 चिपसेट देखने के लिए मिलने वाला है। फोन की परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही फोन में आपको 6.67 इंच की LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी फोन में देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही 240 की टच सैम्पलिंग रेट भी फोन में आपको मिलने वाली है। बात करूं अगर फोन की बॉडी की, तो फोन की बॉडी आपको जो है प्लास्टिक की यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही फोन का जो बैक पैनल है वो ग्लॉसी टाइप में आपको मिलने वाला है। फोन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का यूज किया गया है। साथ ही फोन में आपको 1100 nits of brightness भी देखने के लिए मिलने वाली है। बात करूं अगर स्टोरेज की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन वेरिएंट पे ये जो है 6GB, 64GB, 8GB, 128GB और 12GB, 256GB वेरिएंट पे देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही UFS 3.0 स्टोरेज इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि फोन हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही फोन की जो बैटरी है वो 5000mAh की मिलने वाली है जो कि सपोर्ट करती है 67W फास्ट चार्जिंग को। ऐसा हो सकता है कि जब ये फोन इंडिया में लॉन्च हो तो जो इसकी फास्ट चार्जिंग है वो थोड़ी कम करके आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि जो 67W की जो फास्ट चार्जिंग है ये जो चाइना वाला जो Redmi Note 10 Pro 5G वर्जन था उसमें देखने के लिए मिली थी। तो हो सकता है इंडियन वाले वेरिएंट में आपको कुछ कम देखने के लिए मिले। बात करूं अगर फोन के कैमरे की, तो फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 64 MP का देखने के लिए मिलेगा। साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा भी फोन में मिलने वाला है। 16 MP का सेल्फी कैमरा भी फोन में दिया गया है। साथ ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाएगा। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिससे कि फोन हीट वगैरह ना हो। साथ ही JBL के डुअल स्टूडियो स्पीकर भी फोन में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फोन में आपको 3.5mm का जैक इस बार ना मिले। साथ ही फोन में आपको डुअल सिम 5G सपोर्ट भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये फोन भी आपको क्वार्टर थर्ड में ही इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में कभी भी ये फोन लॉन्च हो सकता है। और बात करूं अगर प्राइस की, तो क्योंकि ये पोको की ब्रांडिंग के साथ इंडिया में लॉन्च हो रहा है तो हो सकता है कि इसका प्राइस 20 से 21 हज़ार के बीच में ही डेफिनेटली होने वाला है। और अगर आप कोई भी एक फोन लेना चाह रहे हैं जो कि 5G हो और जिसका प्राइस भी 20-21 के आसपास हो, तो ये आपके लिए काफी बढ़िया फोन हो सकता है। तो इस फोन के लिए वेट करना तो बनता है। तो फिलहाल फोन के बारे में जितनी भी लीक्स अभी तक आई थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। ये अभी कुछ ही टाइम पहले ये लीक्स आई हैं, तो मुझे लगा कि ये न्यूज आपको देना तो बनता है। तो आपको फोन का स्पेसिफिकेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं और इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को भी और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही वीडियो मिलते रहती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।